महिला उत्पीड़न के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए यूथ टाइम फाउंडेशन संस्था ने एक नया तरीका ईजाद किया है। संस्था के लोगों ने यह फैसला किया है कि वह प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र में जगह जगह हाथों में बैनर पोस्टर के जरिए लोगों को जागरूक करने का प्रयास करेंगे। संस्था के लोगों ने साल के 365 दिन अलग अलग स्थानों पर जाकर लोगों को महिला उत्पीड़न के प्रति जागरूक करने का फैसला लिया है। बुधवार की शाम यूथ टाइम फाउंडेशन के लोगों ने वाराणसी के सिगरा पर हाथों में रेप मुक्त भारत के पोस्टर के साथ लोगों को जागरूक करने का काम किया। संस्था के लोगों ने बताया कि वो कुछ विषयों पर आगे आ रहे हैं, जिसमें उन्होंने सरकार से अपील की है कि जब कोई बलात्कार के मामले में दोषी साबित हो जाए तो उसके लिए तुरंत सजा सुनिश्चित की जाए। सरकार को ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए जिसमें दोषियों को जल्द से जल्द सजा देने का प्रावधान हो। संस्था के प्रेसिडेंट अमूल कुमार ने काशीवासियों से अपील की कि जब भी कोई भी देखे कि लड़कियों के साथ छेड़छाड़ हो रही हो तो तुरंत उसका वीडियो बनाएं और उसे पकड़कर पुलिस के हवाले करें। पुलिस के आने का इंतजार न करें, उसके खिलाफ आवाज उठाएं। संस्था के सतेंद्र शर्मा ने बताया कि हमारी संस्था की ये सोच है कि 365 दिन में 365 लोगों को अपने साथ जोड़ें जो इस प्रकार की घटना के प्रति आवाज उठा सकें, और वो 365 लोग घर घर जाकर लोगों से नैतिकता की बात करें। ये ऐसा है कि हम लोग पिछले 67 डेज से बनारस में अलग अलग जगहों पे अपनी मांग लोगों के सामने और सरकार के सामने रख रहे हैं कि एक कानून बनाया जाए जिसमें बलात्कारियों को कैपिटल पनिशमेंट या जैसा कि कहा जाता है फांसी की सज़ा दी जाए। और साथ ही हम लोग लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि अगर वो लोग किसी लड़कों को देखते हैं कि वो लड़कियों को छेड़ रहे हैं तो उसे नज़रअंदाज करके ना जाए, उसके खिलाफ आवाज़ उठाएं। और साथ ही हमारे साथ एक होके हम लोग मिलके एक बड़ी आवाज़ बनाएं ताकि हम लोग जल्द से जल्द सरकार तक अपनी आवाज़ पहुँचा सके और इस चीज़ को जल्द से जल्द ख़त्म कर सके। ये दरअसल इसमें दो तीन विषयों पे हम लोग आगे आ रहे हैं। एक तो पहला हमारा सरकार से आह्वान है कि अगर बलात्कारी कोई भी जब वो सिद्ध हो जाता है कि उसने रेप किया है तो ऐसा कानून, ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए, उसमें लूप होल नहीं होना चाहिए, उसको इमीडिएट फांसी दे, 7 साल 8 साल की बात ना हो। दूसरा हमारा अनुरोध है यहाँ के लोगों से, जो लोकल नागरिक हैं, जो काशीवासी हैं, कि अगर आप गलत देखते हैं तो इंतज़ार मत करिए कि पुलिस आए, सरकार एक्शन ले, तुरंत उस व्यक्ति को पकड़िए, उसका वीडियो बनाइए, उसका फोटो लीजिए, उसको वायरल करिए। और हमारा बाकी संकल्प है कि 365 दिनों तक इस मुहिम को हम लेके चलाएंगे। और उसके पीछे का जो हमारा सोच ये है कि कम से कम 365 लोग हमारी टीम में शामिल हो जाएं और फिर हम बनारस के विभिन्न चौराहों पर प्रतिदिन जो भी खड़े हैं तो विभिन्न चौराहों पर घर घर जा जा करके, मोहल्ले मोहल्ले जा जा करके वो 365 लोग नैतिकता की बात करेंगे आम जन लोगों से। ये हमारा मिशन स्टैंड हो गया था। हम लोग ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं गवर्नमेंट से डिमांड करते हुए कि वो जल्द से जल्द एक कानून लाए जिसके अंदर जितने भी रेपिस्ट हैं उनको जल्द से जल्द सजा